सही में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे एक बात है कि हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, लेकिन हम उन्हें कर ही नहीं पाते। काफ़ी सारा समय हमारा इधर उधर की गॉसिपिंग में ही बीत जाता है, और कैसे समय बीतता है पता भी नहीं चलता कि कब एक घंटा बीत भी गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात बता रही हूं कि जब भी हम लोग गॉसिपिंग करते हैं या किसी की बातें कर रहे होते हैं या किसी की बुराई कर रहे होते हैं, तो आपको पता है क्या होता है, हम अपना एक गुड फॉर्चून इरेज कर रहे होते हैं। और सोचो गुड फॉर्चून कमाना कितना मुश्किल होता है। यानी जब हम कोई अच्छी चीज़ करते हैं, कोई अच्छे काम करते हैं, इवन जब अच्छा सोचते हैं तो हम गुड फॉर्चून क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी के बारे में बुरा भी सोचते हैं तो आपको पता है आप अपना एक गुड फॉर्चून को इरेज कर देते हैं। तो बेटर है कि हम अपने गुड फॉर्चून को इकट्ठा रखें, उन्हें इरेज ना करें। और इससे अच्छा है कि हम अपना कुछ ऐसी चीजें करें, कुछ क्रिएटिविटी करें। और कुछ कभी नहीं सोच रहा है तो A1 रसोई देखें, और A1 रसोई देखने के बाद जो भी आप सीखते हैं उन्हें आप अपनी किचन में जाके बनाएं, खुद खाएं और सबको खिलाएं। फिर देखिए जिंदगी जीने का एक अलग ही मजा आएगा। और चलिए अभी हमें क्या सीख के मजा आने वाला है वो जानते हैं। हमारी जो खूबसूरत सी कुकरी एक्सपर्ट है वो रेडी है, और उनका नाम है मिसेस सपना गर्ग। आइए वेलकम करेंगे हम सपना जी का। A1 रसोई में स्वागत है आपका। हेलो अतिका। हेलो, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। क्या चल रहा है लाइफ में? बढ़िया ही चल रहा है। बिल्कुल बढ़िया ही चल रहा है। सपना जी, क्या सिखा रहे हैं हम व्यूअर्स को, आप बताएं। मैं अभी बनाऊंगी भुट्टे का किस। अच्छा ठीक है, तो ये थोड़ा सा चटपटा रहता है। हाँ, बिल्कुल। इंदौर का बहुत फेमस है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक एमपी की रेसिपी है, और एमपी में मैंने एक चीज देखी है कि वहाँ पे भुट्टे के बहुत सारे आइटम बनते हैं। बिल्कुल, भुट्टे का बहुत वैरायटी होती है। हाँ, इवन भुट्टे की कचौरी भी बहुत अच्छी बनती है वहाँ पर, है ना? बिल्कुल, मौका लगा तो आपसे सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भुट्टे का। और मैंने सोचा अभी भुट्टे का सीजन चल रहा है तो क्यों ना भुट्टे की रेसिपी बनाई जाए। चलिए ठीक है, तो हम बना रहे हैं भुट्टे का किस। तो उसके लिए मैं ऑयल गर्म करूंगी सबसे पहले। तो शुरू करते हैं सपना जी। बिल्कुल वर्तिका, हमने ऑयल गरम किया है, तो ये गरम हो गया ऑयल। अब इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ राई। राई के बाद इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हींग। ठीक है, तो ठीक है सपना जी, अभी हमने राई इसमें क्रैकल हो चुकी है, अब क्या करना है? हींग डाल दी, अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद ये भुट्टा है मेरे पास किसा हुआ, इसमें थोड़े थोड़े मैंने दाने भी डाले हुए हैं ताकि थोड़ा क्रंच रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो सबसे भुट्टे का भी आपने बताया कि थोड़ा दाना भी है, तो आपने जो सॉफ्ट वाले भुट्टे हैं वो लिए। हाँ, आपने उसे जैसे ग्रेट करते हैं। हाँ, तो ग्रेट कर लिया जस्ट, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। और थोड़े से भुट्टे का मैंने दाने कट कर लिए चाकू से। चाकू से तो कट भी हो गए। हाँ, बाकी को हमें थोड़ा ग्रेट, तो कटे हुए भी जो पीसे थे चाकू साथ, तो अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, क्रंची क्रंची टेस्ट आएगा उससे, तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। ठीक, तो मसालों में मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, स्पाइसी खाना है तो ज्यादा डाल दें जी, और कम स्पाइसी तो आप कम डालें लाल मिर्च, गरम मसाला। ठीक है, और नमक। ठीक है, ओके। मसाले भी आपने देखे हैं, बहुत सिंपल से मसाले हैं जो हमारी मसालेदारी मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है, राई हमने पहले ही तड़का दी, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली है। तो सिंपल से मसालों के साथ एक बहुत ही अच्छा जो भुट्टे का किस है वो आप बना सकते हैं। बिल्कुल वर्तिका, अब इसको थोड़ा सा मैं सेकूंगी। देखने के साथ साथ वर्तिका थोड़े मसाले भी पक जाएंगे इसमें। बिल्कुल, तो हम थोड़ा सा इसको कवर करके भी सिकने देंगे, फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। जैसे आपने इसको कवर किया सपना जी, जी, तो कितना टाइम तक कवर करना है? 1-2 मिनट हम इसको कवर करके रखेंगे, फिर हम हिला के इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, आप पानी भी कर सकते हो, लेकिन मैं मिल्क ऐड करती हूँ ताकि उससे सॉफ्टनेस आती है थोड़ी, मिल्क से और सॉफ्टनेस आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। बिल्कुल ठीक है, तो वर्तिका इसको 1-2 मिनट हो गए, अब मैं इसको देख लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा सिक चुका है ये जी, अब इसमें मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ।
तकरीबन 1/4 कप आपने मिल्क ऐड किया है। ये थोड़ा पकेगा वर्तिका तो थिक हो जाएगा। अच्छा। तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो फिर इसको फिर पकने रखना है। हाँ बिल्कुल वर्तिका, अब ये ढक के इसको 5 से 10 मिनट तक पकेगा ये, ताकि जो मक्का के हमने दाने वाने ऐड किए हैं तो वो भी सॉफ्ट हो जाएं थोड़े मतलब से। हमें ये सिर्फ देखना है कि इतना देखने की जो दाने हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए, मतलब वो पक जाए, कच्चे नहीं रहे कि वो खाने में आपको फिर कच्चे लगेंगे, तकलीफ भी होगी और टेस्ट भी नहीं आएगा, पेट दर्द करेगा फिर कच्चा खा लिया तो अच्छा भी नहीं लगेगा। बिल्कुल वर्तिका, तो 5 से 10 मिनट पकाना है, बीच बीच में एक दो बार हम स्टिर कर लेंगे इसको। ठीक है सपना जी, तो हम वेट करते हैं। बिल्कुल, तो सपना जी भुट्टे का किस रेडी हो चुका है, जस्ट सर्व करना है इसको। बिल्कुल वर्तिका, तो मैं गार्निशिंग कर देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें हमको बहुत सारा नींबू का रस चाहिएगा। हाँ, मुझे को ऐसा लगता है भुट्टे पे भी नींबू लगा के खाते हैं ना, चाट मसाला और नींबू, तो वो उसका टेस्ट ही अलग आता है। बिल्कुल, तो इसी तरीके से तो इसमें हम नींबू का रस डाल रहे हैं। फिर थोड़ा सा मेरे पास ये कोकोनट है ग्रेटेड। ठीक है, फ्रेश भी डाल सकते हैं ना? फ्रेश भी डाल सकते हो आप, और ये गोला जो होता है वो भी आप ग्रेट करके, हाँ वो भी डाल सकते हो इसमें। ठीक है, और फिर थोड़ा सा हरा धनिया, और रेडी हो चुका है। बिल्कुल, ओके। लीजिए वर्तिका, भुट्टे का किस तैयार है, टेस्ट करके बताइए कैसा बना। बिल्कुल, दिखने में मैंने देखा कितना खूबसूरत लग रहा है, कलर भी इतना अच्छा आया है। सपना जी बहुत टेस्टी बना है, परफेक्ट मसाला है, परफेक्ट अंदाज है बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है, जैसे आपने दाना रखा था, आपने मुझे बोला कि कुछ दाने आपने ऐसे छोड़े हुए हैं, तो उन दानों का पता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें, तो बहुत अच्छा है किसके। और इस तरह से देखा आपने बनाने में कितना इजी, भुट्टे रखे हुए और जो मसाले इसमें लिए हैं वो भी हमारे घर में इजीली मिल जाते हैं, तो आप भी इस मौसम में इसको बनाकर देखिए। और हाँ, नींबू निचोड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। में ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब जो रेसिपी हम आपको सिखा रहे हैं उसको देख के आपको कुछ कुछ बचपन की याद आने लग जाएगी कि हाँ, हम ब्रेड कुछ इस तरह से खाया करते थे। तो आइए हम आपको सिखाएंगे रॉयल स्वीट सैंडविच, और लेकिन इसको सीखने के बाद कुछ आपको याद जरूर आएगा, क्यों सपना जी? बिल्कुल वर्तिका, हर किसी ने एक बार तो ये खाया ही होगा बचपन में। बिल्कुल, तो हम बना रहे हैं रॉयल स्वीट सैंडविच। ठीक है, तो उसके लिए मैंने लिया है मलाई, ये दूध की फ्रेश मलाई है जो दूध के ऊपर आ जाती है। अच्छा। जब हम दूध को गर्म करके फ्रिज में रखते हैं तो ऊपर एक थिक लेयर जम जाती है, तो वो ही हमें यूज करनी है, और बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, पहले की एक दो दिन पुरानी हमको यूज नहीं करनी है। ओके। और इसमें जब हम सैंडविच बनाने जा रहे हैं तभी हम ये दाने वाले शक्कर यूज करेंगे, चीनी। ठीक है, इंस्टेंट करेंगे ताकि थोड़ा क्रंच रहेगा जब हम खाएंगे सैंडविच। ठीक है, तो हमने जितनी मलाई ली है उतनी ही हम इसमें शुगर यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने 2 टेबल स्पून मलाई ली है जी, तो 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने शुगर ऐड की है। मिक्स कर लिया इसको मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। ठीक है, अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं ब्रेड पे अप्लाई करूँगी, फिर मैं थोड़े से नट्स यूज करूँगी। ठीक है सपना जी, तो नट्स के साथ ये रॉयल हो जाएगा। वैसे पहले एक टाइम हुआ करता था जब इतना ज़्यादा फास्ट फूड का चलन नहीं था, बहुत सारी चीज़ें बाजार में नहीं मिला करती थी, आजकल तो बाजार में बहुत सारे मतलब स्नैक्स अवेलेबल हैं, तो वो हम ले लेते हैं और उन्हें खा लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, कुछ गिनी चुनी चीज़ें हुआ करती थी। तो मम्मियाँ क्या करती थी, तो बच्चों को कुछ मीठा खाना होता था, तो मतलब मलाई का इतना बखूबी यूज़ होता था कि ब्रेड के ऊपर मलाई डाली, हल्की सी दानेदार चीनी डाली और उसको बनाकर बच्चों को खिलाया जाता था, और यकीनन बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट मैंने तो पूरी मलाई भी खाई हुई है सिर्फ चीनी डाल के, तो उसी का एक बहुत ही खूबसूरत वर्जन है जिसका आप ट्राई करिएगा, आपको आपका बचपन याद आएगा। बिल्कुल वर्तिका, अब ये मैं इस पे स्प्रेड कर रही हूँ, दोनों ब्रेड पे हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल, आपने सपना जी दोनों ही ब्रेड्स पे इनको अप्लाई किया है बिल्कुल, और अच्छे से इसे मलाई भी मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसी नहीं है, हार्ड नहीं है क्योंकि फ्रेश है, फ्रेश और इसलिए फ्रेश लेंगे तो एक तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा और सेकेंडली वो इजिली स्प्रेड हो जाएगी ब्रेड के ऊपर। अब देखते हैं क्या करना है। तो वर्तिका, अब इसमें मैं नट्स डाल रही हूँ, एक ही ब्रेड पे हम अप्लाई कर रहे हैं नट्स को। तो ये काजू है मेरे पास टुकड़े में कटा हुआ, बादाम और थोड़ा सा पिस्ता और किशमिश। किशमिश आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर कई लोगों को किशमिश पसंद नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को सच में नहीं आती हाँ। क्योंकि वो अलग से बहुत तेज मीठा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है इसमें अच्छी लगेगी। वही, इवन मेरे बेटे को भी बिल्कुल पसंद नहीं है किशमिश, किसी में भी नहीं डलवाना चाहता हूँ। अच्छा लेकिन मुझे पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो ये हमने एक ब्रेड, दोनों ब्रेड पे तो पहले मलाई वाला मिक्सचर हमने अप्लाई कर लिया और एक ब्रेड पे मैंने ये नट्स यूज़ किए हैं और अब इसका दूसरी वाली ब्रेड इसके ऊपर रख दूंगी और घी लगा के सेकेंगे वर्तिका इसको। अच्छा, हम ठीक है तवे पे, तो इस पे मैं घी अप्लाई कर दूँ पहले। अब ये जो तो इधर से थोड़ा सा सिक जाएगा तब अब मैं इधर भी घी अप्लाई करके फिर इसको पलट दूंगी। चाहे तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। बिल्कुल वर्तिका, ग्रिल भी कर सकते हो आप, जैसे हम लोग और सैंडविचेस को ग्रिल करते हैं। सपोज आप उसको ग्रिल करना चाहते हैं तो आप ग्रिल भी कर लीजिए। ग्रिल कर लें, आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस साइड भी घी अप्लाई कर लेती हूँ। वर्तिका ये घी, और जब ये सिक्के आएगा, घी लगा रहे हैं हम काफी सारा, जब सिक्के आएगा तो आपको ये टेस्ट देगा मालपुए वाला। अरे वाह, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया है लेकिन ऐसे आपने तो बनाया है, पहले खाया भी है तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एकदम वैसा टेस्ट देगा। और देखिए वाकई में आप जैसे अब जो जनरेशन है वो मलाई से भागने लगी है इन चीजों से, जबकि कभी कभी सब चीजें हमें खानी चाहिए। तो मम्मियां बड़ी स्मार्टली, उनको बताए नहीं और ये वाला, क्योंकि उन्होंने, मम्मियों ने भी कभी ना कभी मलाई खाई होगी ब्रेड के साथ तो उनको पता है कि कैसा टेस्ट होता है। तो बच्चों को अब आप इस तरह से देकर देखिए और उन्हें ये मत बताइए कि आपने बनाया कैसे, लेकिन उन्हें खिलाइए जरूर से। बिल्कुल वर्तिका, जैसे मेरे बच्चे ऐसे मलाई नहीं खाते, आप उनको दूध में दे दो मलाई या ऐसे तो वो मलाई अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन उनको मलाई सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं बोलते हैं मालपुआ जैसे लगते हैं। बिल्कुल सही कहा सपना जी, तुम जान घर पे ट्राई करूंगी। हाँ, और तुम जानती हो कि मालपुआ बनाने में बहुत टाइम जाता है, तो आपको जब भी कभी ऐसा मीठा और मालपुए टाइप खाने का मन हो तो आप ये सैंडविच बना सकते हो। आपके पास सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स आपके पास अवेलेबल है जी। तो आप जब मर्जी आए, जब आप इसको बना के और खाएं, मालपुए वाला टेस्ट का लुत्फ उठाएं। बिल्कुल सपना जी, सही कहा आपने। तो ये हमारा तैयार हो गया वर्तिका सैंडविच। ठीक है, अच्छी सीख सिखाई हो गई है सपना जी उसकी। बिल्कुल, तो वर्तिका इसको मैं निकाल लेती हूँ, अब इसको चार पीसेस में मैं कट करूंगी। वर्तिका मैं इसको सर्व कर देती हूँ। क्या बात है सपना जी, इसका आपने सर्व कर दिया है, अब ऊपर से भी हम इस पर गार्निशिंग करेंगे। बिल्कुल वर्तिका, सिर्फ मैं इस पर पिस्ता डाल रही हूँ और ये तैयार है। लाइए सपना जी गर्मा गर्म रॉयल स्वीट सैंडविच। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा मालपुआ आपको कहीं और सीखने को मिल सकता है? नहीं मिल सकता है ना, ये वन सिर्फ एवन रसोई में ही हो सकता है। सपना जी बिल्कुल सही कहा आपने, पता है एकदम मालपुए का टेस्ट आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरीके की चीजें घर में सब चीजें होती हैं, ड्राइनर्स पे अगर आप अवॉइड करना चाहें तो आप कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। सिंपली मलाई और ब्रेड के साथ भी आप इसे तैयार करेंगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो झट से नोट करें आप इसकी कुछ खास बातें। सपना
सपना जी इवन रसोई को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इतनी अच्छी रेसिपी सीखी इन अ वेरी इजीएस्ट वे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वर्तिका। हमने आपको दो अच्छी रेसिपी सिखाई है ना, बिल्कुल सिंपल है, इंग्रेडिएंट्स भी आपके पास होंगे ही, तो बस दिमाग में इधर उधर की बातें मत लाइए और किचन में जाके रेसिपी बनाइए और इनका मजा लीजिए और A1 रसोई देखना मत भूलिएगा। और हाँ, खुश रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।